नोटिस किया है कि खान्स की मूवीज के पोस्टर्स जब निकलते हैं तो उन्हें कैसे हाईलाइट किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको याद दिलाते हैं, सलमान खान की मूवीज जैसे दबंग सीरीज, जय हो, वीर, ट्यूबलाइट, वांटेड, बॉडीगार्ड और ऐसे ही मूवीज में कवर पोस्टर पर या तो भाईजान अकेले है या फिर उनकी हीरोइन का आधा चेहरा दिख रहा है। वहीं जीरो, डॉन, मैं हूं ना जैसे मूवीज के भी पोस्टर्स पर या तो एसआर के अकेले हैं या फिर को स्टार्स बैकग्राउंड में बहुत छोटे से दिख रहे हैं। अब प्लीज आप कंफ्यूज होकर ये मत कहना कि अगर ऐसे पोस्टर्स हैं तो इनकी जगह और पोस्टर्स ऐसे भी हैं जिनमें और लोग भी दिख रहे हैं। जैसे ओम शांति ओम के पोस्टर पर दीपिका है तो वहीं एक था टाइगर के पोस्टर पर कैटरीना भी है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि पोस्टर्स पर एक्ट्रेसेस नहीं होती, मगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये सभी एक्ट्रेसेस खुद बड़ी स्टार्स है। अब दीपिका और कैटरीना तो खुद भी पोस्टर पर आना डिजर्व करती है। हम बस ये कह रहे हैं कि कभी कभी नए स्टार्स या कुछ साइड एक्टर्स को पोस्टर पर नहीं दिखाया जाता, लेकिन ऐसा दंगल के पोस्टर के साथ नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, नितेश तिवारी जी ने मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर ये तय किया था कि चाहे सान्या और फातिमा नई एक्ट्रेसेस हो जिन्हें लोग इतना नहीं जानते, मगर फिर भी उनका दंगल के पोस्टर पर आमिर के जितना ही हक है। आमिर भले ही बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों ना हो, मगर दंगल मूवी फॉगार्ड्स के ऊपर है और उनकी बेटियां ही मूवी का प्लॉट है, इसलिए मूवी के पोस्टर पर सिर्फ आमिर ही नहीं बल्कि गीता और बबीता फॉगार्ड का कैरेक्टर प्ले करने वाली दोनों एक्ट्रेसेस भी होंगी। इतना ही नहीं, उनके अलावा डायरेक्टर साहब ने दोनों चाइल्ड आर्टिस्ट को भी पोस्टर में रखा था जो यंग गीता और बबीता प्ले करने वाली थी। नो डाउट पोस्टर में आमिर खान की जगह कोई और नहीं ले सकता, मगर फिर भी बाकी सभी स्टार्स का भी पोस्टर में होना बहुत जरूरी है। नितेश जी ने ये बात जब आमिर खान के सामने रखी तो आमिर ने भी कभी ये डिफरेंस नोटिस नहीं किया था, इसलिए उन्हें भी ये आइडिया काफी अच्छा लगा कि बाकी सभी एक्टर्स को भी पोस्टर में रखा जाएगा ताकि ऑडियंस को एक्चुअल कास्ट का पता रहे। और नतीजा यही हुआ कि पोस्टर में आपको सभी देखने को मिले। तो दोस्तों, दंगल 2 का पोस्टर भी कुछ ऐसा ही इंक्लूसिव होने वाला है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।